कांग्रेस को भी देखे हैं, मायावती को भी देखे हैं, हाथी चलते हुए भी देखा, साइकिल चलते हुए भी देखा, कमल खिलते हुए भी देखे, इस तरफ देखिए, इस तरफ कमल खिलते हुए भी देखे, इधर देखिए, हाँ उधर देखिए, कमल कमल खिलते हुए भी देखे। तो क्या सब में से अच्छा कौन लगे आपको? हम तो भाई, हमारी साइकिल दौड़ेगी वो अच्छा हो या खराब हो, क्यों साइकिल का हवा निकल गया? हवा नहीं निकली, हवा उसकी बढ़ रही है, बहुत तेज भाग के जा रही है, बहुत तेज जा रही है। हाँ, मीडिया वाले निकाल रहे हैं मोदी जी, उनका फिट कह के इसकी हवा निकालो और हवा नहीं निकली यहाँ। मीडिया वाले से क्यों नाराज हो रहे हो? मीडिया वाले उनका उन्हीं गुण गाते हैं, उन्हीं के गुण गाते हैं। और हम लोग साइकिल दौड़ेगी, आपका आशीर्वाद रहा तो गढ़ा में कूद के निकलेगी साइकिल, ये मेरा भविष्यवाणी है। अच्छा, इस बार साइकिल चलेगी? क्या भैया क्या कह रहे हैं अंकल जी, क्या बोल के? वो सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं। ऐसा क्या कमाल है साइकिल में? साइकिल में बहुत से कमाल है, साइकिल पुराना जो साधन है चलने के लिए। इतना दमदार सरकार, ईमानदार सरकार को आप कह रहे? इतना महंगा हो गया, साइकिल ही तो चलना तो पड़ेगा, पूरी है ना, क्या करें? विकास हो गया, कहाँ विकास, देखिए यही विकास है। आप नहीं देख रहे हैं विकास कितना है, गड्ढा मुक्त कर दिया है, गड्ढा तो देखिए मुक्त है, डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रही है यूपी में। अरे वो देखा जाएगा, अभी तो वो देखो सामने विकास हुआ है, लाइट वहाँ लगा है, कीचड़ में कमल ही खिलता है, कमल खिलेगा, और चाहे शाम दाम दंड नहीं। वो जो कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं, बहुत दमदार सरकार है, बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि इसका कोई जवाब नहीं, सबसे बेहतरीन सरकार है। मैं तो कहता हूँ दोबारा आना चाहिए और ये बेरोजगारी और बढ़नी चाहिए। कह रहे हैं योगी जी कि गड्ढा मुक्त सरकार, गड्ढा मुक्त यूपी है, मैं कहता हूँ गड्ढा युक्त यूपी है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी को देखते हुए 5 साल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, अब 5 साल के लास्ट में क्यों लॉलीपॉप दिया जा रहा है, श्रम कार्ड बना के औरतों को लुभाया जा रहा है, मर्दों को लुभाया जा रहा है, ये गवर्नमेंट की क्यों नाकामी है? 5 साल में उसने ना कुछ करके लास्ट में केवल पैसे दे के लोगों को लुभाने का काम कर रही है, बस डबल इंजन का सरकार है। बेमिसाल यूपी हो गए हैं, बिल्कुल मलाई जैसे रोड बन चुके हैं, रफ्तार से भागो। बहुत बेहतरीन, मैंने तो कह दिया पहले कि बहुत बेहतरीन सरकार है। किसने कहा गड्ढा मुक्त? मैं कहता हूँ गड्ढा युक्त। किसने कहा बेरोजगारी घटी है? मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी बढ़ी है। अब इससे अच्छी सरकार और कौन आ सकती है बताइए? आज जो पोजीशन है, जो 500 रुपए डेली कमाने वाला, 300 रुपए डेली कमाने वाला परिवार चलाता था, आज 100 रुपए का भी उसकी व्यवस्था का मामला नहीं बन पा रहा है। कोरोना के नाम पे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। बाकी बेरोजगारी के लिए मैं कहता हूँ यहाँ के मौजूदा जो इस समय मंत्री जी हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे क्षेत्र के मंत्री भी यहाँ के हैं, लेकिन मंत्री होने के साथ साथ मैं समझता हूँ कि 5 साल में उन्होंने कोई ऐसा कारखाना ना दिया होगा जिसमें 500 लोगों को भी रोजगार मिल पाया हो। तो मैं बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं कहता हूँ बाघ पे अगर कोई पट्टी बांध के देखे तो बात अलग की रही, लेकिन देखने वाले को देखना चाहिए कि गड्ढा मुक्त नहीं गड्ढा युक्त, और बेरोजगारी में मामला इतना बड़ा। आंखों में पट्टी बांधने की बात करते हैं, अमित शाह जी तो कहते हैं कि दूरबीन लेके देखो तो अपराधी नहीं है। अमित शाह जी तो इतना बेहतरीन कहते हैं, अगर इतना बेहतरीन ना कहते तो अभी जल्द में हत्या का कांड हुआ है आपके, बहुत ज्यादा दूर नहीं, उन्नाव साइड में ही देखिए, हत्या का कांड, व्यापारी को सीधा सीधा दिया है, क्राइम खत्म कर दिया। ये तो कहने की बात है, मुंह से हम भी कह रहे हैं कि क्राइम खत्म हो गया, लेकिन क्राइम कहाँ का खत्म हो गया पहले बताइए? क्राइम बल्कि और बढ़ा, और ये बढ़ता रहेगा क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट आती रहेंगी तो क्राइम बढ़ता ही रहेगा। भैया कितना सहमत है इनकी बातों से? कितना नौकरी मिले? कुछ भी नौकरी नहीं मिली इस समय। तो कितना बड़ा मुद्दा है ये बेरोजगारी? बेरोजगारी है, हम चाहते हैं कि हमको काम चाहिए, विकास की ओर ले जाए, समझे? हमको राम मंदिर से हमसे विकास के अंदर लेके तो गए, रफ्तार से विकास की ओर बढ़ रहे। आप यहाँ पे देखे, जगदीशपुर विधानसभा में हैं आप, यहाँ पे देखे गड्ढा युक्त हुआ है कुछ भी? बोलिए बोलिए, दाल चावल, दाल चावल सुनिए, दाल चावल आप सुनिए, सुनिए दाल चावल वाली बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना? आजकल ये जो तेल है ना, तेल सुनिए सुनिए, यहाँ तेल मिलता था, तेल भी बंद हो गया था, बोलिए सही बात है कि नहीं? तो बंद हो गए, हाँ बंद हो गया था, मिट्टी का तेल पहले बचता था बंद, गैस था 400 रुपए में, आज 1000 रुपए में हो गया, बोलिए। अच्छा, ये विकास नहीं है? कुछ विकास है, जनता को बेच रहे हैं, हाँ जनता के अच्छा काम कह रहे हैं, यहाँ पर इतना अच्छा काम हो रहा है, कह रही कुछ भी काम नहीं हो रहा है यूपी में,
कुछ नहीं हो रहा। हाँ, इससे अच्छा तो दिल्ली सरकार सही है, केजरीवाल का सरकार सही, इससे सही तो दिल्ली है। यूपी में कुछ काम नहीं हो रहा है, सिर्फ डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और कुछ काम नहीं हो रहा है। सिर्फ डराए धमकाए जा रहे हैं, कौन डरा रहे हैं? बस मैं इतना ही कहूँगा, यही सरकार दोबारा फिर आनी चाहिए, इससे अच्छी सरकार कोई होगी नहीं। योगी बाबा, योगी बाबा, फिर बंद कर देंगे आप लोग नारेबाजी मत करें, बात जवाब दो। ये बहुत अच्छी सरकार है, हाँ इतनी अच्छी कोई सरकार होगी नहीं भैया। अच्छाई में तो अच्छाई तो गिनवा दीजिए, अच्छाई तो भाई तो ये लाइट मिली हम लोग को रोशनी में, वोट मिला, इससे जाने कि महाराजा, इससे जाना क्या महाराजा। मैडम बताइए वोट से क्या विकास होगा, आप बताइए। वोट विकास, वोट से कोई विकास होता है हमसे बता दीजिए, आप कोई मतलब हो रहा है इस बोर्ड लगा हुआ है बताइए इसको। सिर्फ हाँ ये स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, काम हुआ है हम ये नहीं मानते, लेकिन भाई और आप भी देखें ना कितना काम नहीं होना चाह रहा। मुद्दा क्या होंगे इस बार चुनाव में? मुद्दा देख रही मैडम, महंगाई तो है ही है, सब कोई जान रहा है, पेट्रोल डीजल बहुत हो गई महंगाई के मार इस बार मोदी सरकार। नहीं मैडम गलत बात है, मोदी नहीं सरकार, अखिलेश सरकार। मैडम मैं चाहता हूँ की मैं चाहता हूँ जगदीशपुर विधानसभा में हमारे विजय पाटी जी जो हैं वो टिकट पाए, वो यहाँ बहुत भारी विजय मिले, और यहाँ यूपी में, और यूपी में हमारे अखिलेश भाई जी विजयी हूँ। अच्छा जी मैडम, इससे कितने लोग सहमत है बताइए। साइकिल का रफ्तार इस बार चलेगी, अम्मा से बात कर लो, बात कर ली अम्मा से मैंने, बात करें करें, अम्मा से बात हो गई, नया चेहरे से बात करेंगे। बताओ भाई बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, मुद्दा है जी। लाल टोपी पहने हुए हो, मोदी जी कह रहे लाल टोपी से बच कर रहो, बचने वाली कोई बात ही नहीं इसमें। साहब आ गए, हाँ बोले, ये लाल टोपी से बच कर रहो। तुम बोलो तो मैम, बचने किसमें कोई बात ही नहीं है, माफिया राज होते थे आप लाल टोपी लगा के घूम रहे हो। लाल टोपी से इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है मैम, लाल टोपी से क्या मुद्दा है ये बताइए आप हमें। मोदी जी तो कह रहे हैं लाल टोपी नहीं मैम, मुद्दा क्या है? मुद्दा जो है ये बेरोजगारी हो, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए इनको। हमारे आगे प्राइमरी देख लीजिए, स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल जो है देख लीजिए, उसमें जर्जर हो चुका है एकदम से, और हमारे दिल्ली सरकार केजरीवाल जी हैं उनके वहाँ का देख लीजिए, वही तो बता, और रोड देख लीजिए आप, रोड देख लीजिए गड्ढा किस तरह है, तो वहाँ तक देख लीजिए पूरा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है ना मैम। रास्ता तो बहुत अच्छी है, क्या अच्छा है? बहुत अच्छी रास्ता है, यस मैम, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है आप जाम मतलब हमारे केजरीवाल बाजार तक देख लीजिए। अच्छा आप इस बार सरकार किसका बनाएंगे बताओ जी? अखिलेश, इसीलिए लाल टोपी मैंने पहले बोली थी ना, लाल टोपी साइकिल, साइकिल साइकिल का रफ्तार पकड़े। यस सर, देखिए मैम सरकार कोई भी हो, अखिलेश जी, अखिलेश माफिया राज नहीं, माफिया राज नहीं था उनके टाइम में, उनके टाइम में जनता खुशहाल थी, इधर देखिए कैमरा की तरफ, उनके टाइम में जनता खुशहाल थी। अभी कह रहे बेमिसाल हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, बेमिसाल नहीं हो गए, बेरोजगार हो गए हैं, बेहाल हो गए जनता जी। कैसे बात कह रहे हो भैया, कमाल की यूपी बता रहे हैं। ऐसा है वो बता रहे हैं, सिर्फ उनके कागज पे काम हो रहे हैं, बाकी हकीकत में जमीनी स्तर पे नहीं है। देख लीजिए रोड देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, बिजनेस देख लीजिए आप, कुछ ऐसा कोई काम नहीं है। तो धरातल में काम नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं काम।